वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान बाढ़ में जाए, बाढ़ में जाए ना। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान बाढ़ में जाए, बोले ने पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बर्तानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाह रहे। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे, हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। हम तो सबकी लैला है। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जब मलाला और मरियम को ये जवाब दे रहे थे तो दरअसल वो इन दोनों के साथ साथ उन तमाम पाकिस्तानी मंत्रियों, नेताओं और पत्रकारों को आईना दिखा रहे थे जो अपने मुल्क पाकिस्तान में बद से बदतर हो चुकी अल्पसंख्यकों की हालत को छोड़कर भारतीय अल्पसंख्यकों के खैरख्वाह बन रहे हैं। वो मलाला जिन्हें खुद पाकिस्तान में रहते हुए पढ़ाई करने की वजह से गोली मार दी गई और जो अब ब्रिटेन में रहती हैं, उन्हें आज भी चिंता होती है तो भारत के अल्पसंख्यकों की, बावजूद इसके कि खुद उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में हर रोज हिंदू अल्पसंख्यकों की बहु बेटियां नफरत, जुल्म और हिंसा का शिकार हो रही हैं। इससे पहले कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात की चर्चा करें, जरा एक नज़र डाल लेते हैं कि भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने के आदि हो चुके पाकिस्तानी नेताओं ने क्या कहा। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की वजह से अपना मुल्क छोड़कर लंदन में रह रही मलाला यूसुफजई ने कर्नाटक हिजाब विवाद में ट्वीट करते हुए कहा कि पढ़ाई और हिजाब में से एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है, जो गलत है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर मुस्कान की तस्वीर लगाई है जिसने कुछ प्रदर्शनकारियों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी इसे मुसलमानों के दमन का मोदी प्लान करार देते हैं। तो मशहूर पाक जर्नलिस्ट हामिद मीर लिखते हैं कि एक अकेली लड़की को कट्टर हिंदुओं की भीड़ डरा रही है। बॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म का सुपरहिट डायलॉग है, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, मगर बात अगर मानवाधिकार हनन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की हो तो पाकिस्तान में शीशे की दीवार छोड़िए एक फटा पुराना पर्दा तक नहीं लगा। कनाडा की थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में पाकिस्तान में 1000 लड़कियों की ऑनर किलिंग की गई। कट्टरपंथी जमातें महिला राजनेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को निशाना बना रही हैं। महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जाता है। सिंधी फाउंडेशन ऑफ यूएस के मुताबिक
पाकिस्तान में हर साल 12 से 28 साल की करीब 1000 सिंधी हिंदू लड़कियों का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान से बचकर भारत आने वाली हिंदू अक्सर स्कूलों में हिंदू बच्चों के धर्म का मजाक उड़ाए जाने की बात कहते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब पिछले साल दिसंबर महीने में पाकिस्तान के सियालकोट की एक फैक्ट्री के मजदूरों ने श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा कुमार को जिंदा जला दिया था। प्रियंथा पर पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने का आरोप था। पाकिस्तान अखबार द डॉन के मुताबिक सिंध के मीरपुर खास जिले में तुंगरी समुदाय के कुछ पुरुषों ने मुस्लिम राजपूत समुदाय की दो लड़कियों को अगवा कर रात भर दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को छुड़ाया। बलूचिस्तान में सेना और ISI के अत्याचारों के खिलाफ मुंह खोलने पर न जाने कितने ही बलूचों को हमेशा के लिए लापता कर दिया गया। इसके किस्से ट्विटर और इंटरनेशनल मीडिया में भरे पड़े हैं। ऐसे में ओवैसी की पाकिस्तानी नेताओं को दी गई हिदायत इस बात का उदाहरण है कि भारत के लोग अपने मसलों को खुद हल करना जानते हैं और इसमें गैर मुल्क की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।